प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के दौरे के लिए रवाना हुए हैं। राष्ट्रपति बाइडेन के जनवरी 2021 में सत्ता संभालने के बाद ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन आमने सामने मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज रात राजधानी वॉशिंगटन पहुंचेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने एक बयान में कहा कि वो पीएम मोदी की मेजबानी को लेकर खुश हैं। आखिर क्यों है प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका का दौरा इतना खास और किन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा, देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी आज अमेरिका में होने वाले क्वाड समिट के लिए अमेरिका के अहम दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। बता दें, राष्ट्रपति बाइडेन के सत्ता संभालने के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी पहली आमने सामने बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में भाग लेने के साथ साथ अन्य देशों के नेताओं के साथ भी मुलाकात करेंगे। बता दें, ये क्वाड देशों की प्रमुखों में पहली मुलाकात होने वाली है। इस समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका भी शामिल हैं। पीएम मोदी आज 11 बजे अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। 23 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंचेंगे और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलेंगे। साथ ही एप्पल के सीईओ टिम कुक से भी हो सकती है मुलाकात। 24 सितंबर को होगी पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की अहम बैठक। इसके साथ नरेंद्र मोदी क्वाड देशों की बैठक में भी होंगे शामिल। 25 सितंबर को यूएनजीए में पीएम मोदी का होगा संबोधन। 26 सितंबर को स्वदेश लौटेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा काफी अहम होने वाला है। हालांकि चाइना इस मीट से काफी नाखुश नजर आ रहा है। चाइना ने क्वाड समिट को निशाना साधते हुए कहा कि दूसरे देशों को लक्षित करते हुए गुटबाजी बिल्कुल काम नहीं आएगी और ना ही इसका कोई भविष्य है। चाइना ने अपने एक बयान में कहा कि वो अफगानिस्तान की आर्थिक मदद करेगा, साथ ही तालिबान की सरकार बनने में भी मदद करेगा। इसके बाद आखिर क्यों समिट से नाखुश है चाइना? कहीं सच में आतंक को बढ़ावा देने में चाइना का हाथ तो नहीं? सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन कारोबार के मुद्दे पर कर सकते हैं बातचीत। बता दें, अफगानिस्तान में चल रहे हालात और इसके साथ दुनिया में बढ़ रहे आतंकी नेटवर्क पर भी चर्चा हो सकती है। तालिबानियों जैसे आतंकी गुट को चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों का समर्थन मिलने पर भी हो सकती है चर्चा। पीएम मोदी के साथ इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजित डोभाल के अलावा विदेश सचिव श्रृंगला भी हो सकते हैं मौजूद।